Bhiwani is an important boxing hub in Haryana. It is believed that at any time there are about 1500 young ones learning boxing. So let's go meet them. बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो भाई? बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने? बॉक्सिंग क्लब बॉक्सिंग करने। इंडिया में सबसे ज्यादा बॉक्सर भिवानी के। माय गॉड, इफ देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स लर्निंग बॉक्सिंग एवरी डे, आई एम 1000% श्योर आई कैन ट्राई माय हैंड एट इट। एंड मे बी आई एम गोना गेट सम रिवेंज ऑन ऑल द पीपल हु हैव बीन मीन टू मी इन द पास्ट वीक। या सो आई एम गोना गो लुक फॉर द बेस्ट कोच इन द विलेज एंड लर्न हाउ टू फ्लोट लाइक अ मगरमच्च एंड स्टिंग लाइक अ ट्री। फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक अ बी। I landed up at the Bhiwani Boxing Club that has been around for over 2 decades, and I'm going to meet the strong backbone of this club, Mr. Jagdish Singh. दुनिया का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि एक ही सेंटर से, एक छोटे से शहर से ओलंपिक में 4 खिलाड़ी गए हों एक साथ। देश को सबसे पहला पदक ओलंपिक में विजेंदर ने दिया। Of course, it is historical. This is also why it's called the mini Cuba of India. This is why it's called the boxing village. Clearly, Bhiwani has a never-ending list of boxers. So let's go meet one of their champions now, Sakshi Chaudhary. मैं 12 साल की थी तब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। मैं बचपन से ही मतलब वैसे लड़ती रहती थी, भाई को पीटती रहती थी, तो घर वाले ने सोचा इसकी जो एनर्जी हो पॉजिटिव में यूज़ करते हैं तो इसको बॉक्सिंग में डाल देते हैं। तो तभी विजेंद्र सिंह का मेडल आया था जो इसी एकेडमी से हैं। पूरे भिवानी में करेज हो गया, वाह बॉक्सिंग में हमारे लड़के का मेडल आया है। तो भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से भी जानने लगे। क्यूबा के बॉक्सर बहुत अच्छे हैं ना, तो इंडिया भिवानी को मिनी क्यूबा का नाम दे दिया। I am not going to miss this opportunity to talk to Neetu Ghangas, who's the current Commonwealth Games gold medalist. So Neetu, tell me about your Commonwealth journey. जब हमारी ट्रायल्स थी हमारी नेशनल कैंप में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, तो मेरी ट्रायल्स एमसी मैरी कॉम के साथ थी। मैरी कॉम के साथ? जी लिटरली जी। यू फॉट विद हर? यस, खुद पे विश्वास था कि मैं जीतूंगी। रियली? यस। और उस टाइम कैसा लगा जब फाइनली जीता? तो उस टाइम पे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो जब मैं पोडियम पे खड़ी थी तो मेरे लिए में गोल्ड मेडल था, तो मेरे पापा ने कहा कि मैं, मुझे लग रहा था कि उस पोडियम पे मैं, तू नहीं खड़ी है मैं खड़ा हूँ तो ये थोड़ा इमोशनल भी था और बहुत खुशी भी हो रही थी। नीतू इज नॉट ओनली द कॉमनवेल्थ चैंपियन, बट इन मार्च 2023 नीतू ऑल्सो बिकेम द विमेंस वर्ल्ड चैंपियन।